अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कभी सपा की शान रहे प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव इन दिनों अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। साथ ही मजलूमों की आवाज को शिवपाल सिंह यादव बुलंद कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद में थे जहां योगी की पुलिस ने उनके हाथ से माइक छीन लिया। दरअसल उस वक्त शिवपाल सिंह यादव अस्पताल से जुड़े मसले को लेकर लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन वहां पर पहुंची योगी की पुलिस ने उनके हाथ से माइक ले लिया। उसके बाद शिवपाल ने क्या कहा सुनिए। ये यहाँ पर देखिए संघर्ष समिति ने जो यहाँ पर जिला अस्पताल बचाओ, तो यहाँ पर विचार गोष्ठी भी होती है, स्वास्थ्य संबंधी सब बातें होती हैं। तो यहाँ पर पंचायत के रूप में यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा था, ऐसे पुलिस ने इस तरीके से, अब बताओ लोकतंत्र में तो ये अधिकार है अपनी बात रखने का, विचार गोष्ठी करने का, पंचायत करने का, ये तो अधिकार है और परमिशन भी दिया था पहले, और आज परमिशन रद्द करके ये पुलिस छावनी बना दी है, लोगों को रोका है, माइक यहाँ से छीन ले गए हैं, माइक छीन ले गए, लोगों को धमका दिया है, भगा दिया है। पुलिस की इस हरकत के बाद शिवपाल ने प्रदेश और केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार की नीतियाँ गरीबों के हित में नहीं है। प्रदेश सरकार तो कानून व्यवस्था को संभाल पाने में फेल हो रही है, साथ ही गरीबों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। शिवपाल ने इस मौके पर और भी कई संगीन आरोप प्रदेश सरकार और फिरोजाबाद पुलिस पर लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।